हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी का फिर स्वागत है हमारे चैनल सी फॉर एजुकेशन में। और दोस्तों आज हम सभी के लिए जो है, आप सभी के लिए जो जनरल अवेयरनेस का जो है दोस्तों, वो हम पार्ट 5 लेकर आ गए हैं। दोस्तों अभी तक आपने जो है जनरल अवेयरनेस का पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 नहीं देखा है, तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर जाइए। आपको जो है हमारा वहाँ पर जो आपको जो जनरल अवेयरनेस का जो है पार्ट 1, 2, 3 और 4 मिल जाएगा। आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों जो DRDO का एग्ज़ाम है उसमें आपसे जो 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 नंबर के पूछे जाएंगे अंडर जनरल अवेयरनेस है। तो दोस्तों इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, और हो सकता है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का जो PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जो है हमारे इस वीडियो का जो PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए, चलिए आज के वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। दोस्तों नाउ ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें ये पूछा गया है वेयर इज़ द फर्स्ट इवेंट ऑफ एशियन गेम वेयर हेल्ड इन, यानी कि दोस्तों जो हमारा एशियन गेम हुआ था, एशियन गेम उसका जो फर्स्ट इवेंट जो है वो इसमें जो आपको दिया गया है 4 ऑप्शन, इनमें से कहाँ हुआ था। तो दोस्तों अगर आपको जवाब हो तो जवाब आपको आता हो तो आपको दोस्तों मैं बता देता हूँ कि इसका जो आंसर क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इसका आंसर जो है वो होगा आपका इंडिया, ठीक है। दोस्तों जो हमारे एशियन गेम का जो फर्स्ट इवेंट हुआ था वो दोस्तों हमारे इंडिया में हुआ था, और दोस्तों वो इंडिया किस शहर में हुआ था, दोस्तों वो इंडिया के कैपिटल यानी कि न्यू दिल्ली में हुआ था। तो ठीक है दोस्तों, इसे भी याद रखना कि एशियन गेम का जो फर्स्ट जो इवेंट हुआ था वो इंडिया में हुआ था, और इंडिया में कहाँ हुआ था दोस्तों, तो वो हुआ था दोस्तों हमारे इंडिया के कैपिटल न्यू दिल्ली में। दोस्तों आइए चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में क्या है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने जो है जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35 को रिवोक किया, तो दोस्तों इसके से चांस है कि थोड़े आपके जो है कि आई ये क्वेश्चन आ सकते हैं। दोस्तों इसमें यह पूछा गया आर्टिकल 317 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एप्लीकेबल टू द स्टेट इज, मतलब कि आर्टिकल 370 जो है इनमें आपको जो 4 ऑप्शन दिया गया है इनमें से वो किस स्टेट के लिए जो है एप्लीके। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो आर्टिकल 370 है दोस्तों वो जम्मू कश्मीर के लिए ही एप्लीकेबल है, ठीक है दोस्तों इसे भी याद रखना। तो दोस्तों ये चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, देख लेते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है। सो नाउ दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ऐसे क्रिकेटर आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, फेमस क्रिकेटर ओइन मॉर्गन बॉर्न इन विच कंट्री। तो दोस्तों ओइन मॉर्गन जो है वो कौन से देश से खेलते हैं, ओइन मॉर्गन दोस्तों खेलते हैं आपका इंग्लैंड से, ठीक है। इंग्लैंड पर दोस्तों कई लोग जो है इसमें इंग्लैंड मार के चले आएंगे, पर दोस्तों इंग्लैंड इसका सही आंसर नहीं होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि ओइन मॉर्गन का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो हुआ था हमारा आयरलैंड में, ठीक है। दोस्तों चलिए मैं थोड़ी सी डिटेल आपको जो है ओइन मॉर्गन के बारे में दे देता हूँ। सो नाउ दोस्तों ये देखिए, ये हैं ओइन मॉर्गन, ठीक है, आप सभी लोग इनको जानते ही होंगे। और दोस्तों देखिए इनका जो जन्म हुआ था वो 10 सितंबर 1986 को हुआ था, कहाँ पे, डबलिन आयरलैंड में, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो ओइन मॉर्गन है ये पहले जो है आयरलैंड के लिए क्रिकेट खेला करते थे, पर दोस्तों बाद में इन्होंने जो है इंग्लैंड की तरफ से क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये ओइन मॉर्गन दोस्तों 2006 से लेकर 2009 तक जो है इन्होंने आयरलैंड के लिए क्रिकेट खेला है, ठीक है दोस्तों, आयरिश टीम के लिए, ठीक है। और दोस्तों और उसके बाद 2009 से लेकर अभी तक दोस्तों ये किस टीम से खेल रहे हैं, ये खेल रहे हैं इंग्लैंड की टीम की तरफ से। और दोस्तों इन्होंने तो दोस्तों 2006 में दोस्तों जो डेब्यू मैच किया था दोस्तों, वो इन्होंने 5 अगस्त 2006 को जो डेब्यू मैच किया था वो आयरलैंड और स्कॉटलैंड के बीच में जो मैच खेला जा रहा था उसी मैच में किया था, जिसमें कि जो आयरलैंड जो थी इनकी टीम थी, ठीक है दोस्तों, ये आयरलैंड की टीम से उस समय खेल रहे थे ओइन मॉर्गन, ठीक है। दोस्तों बात करेंगे करियर की, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने टेस्ट मैच में जो है 16 मैचेस खेले हैं, 7 रन बनाए, 2 इनका शतक रहा, और एवरेज जो है 30 का रहा है, 30.43 का रहा है इनके, ये इंग्लैंड के लिए जो टेस्ट मैच खेले हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ODI मैचेस की बात करें तो दोस्तों ODI में इन्होंने 23 मैच जो है वो आयरलैंड की तरफ से खेले हैं, 23 मैच में 744 रन बनाए जिसमें 1 शतक भी शामिल था, और दोस्तों इनका जो 35.42 का एवरेज रहा आयरलैंड से जब ये मैच के आयरलैंड की तरफ से जब ये मैच खेला करते थे। और ये यहाँ पे इंग्लैंड की बात करते हैं, इन्होंने जो इंग्लैंड की तरफ से 210 मैचेस खेले जिसमें 6000 से ज़्यादा रन बनाए, और दोस्तों 13 शतक भी है और 40 से ज़्यादा का एवरेज भी है। दोस्तों इनका टोटल बात करें तो इनका टोटल वनडे अभी तक 237 खेल चुके हैं, जिनमें से ये 7000 से भी ज़्यादा रन बना चुके हैं, ठीक है।
आप यहाँ देख सकते हैं 7,000 से भी ज़्यादा रन इनका है। और दोस्तों उसके बाद दोस्तों इन्होंने जो है T20 में इंग्लैंड के लिए दोस्तों इंग्लैंड से ही इन्होंने T20 खेला था, क्योंकि दोस्तों ये इनका जो ODI डेब्यू हुआ था वो आयरलैंड से हुआ था, जबकि इनका इंग्लैंड की तरफ से दोस्तों टेस्ट और T20 में डेब्यू जो है इन्होंने इंग्लैंड की तरफ से किया था। दोस्तों इन्होंने T20 में दोस्तों तो अभी तक जो है 77 मैचेस खेले हैं और 1,810 रन बनाए। हालांकि कोई सेंचुरी नहीं है इनमें शामिल है, ठीक है, पर दोस्तों ओयन मॉर्गन जो है दोस्तों T20 के काफ़ी जो है धुआंधार बल्लेबाज है, ये भी याद रखना दोस्तों। दोस्तों आइए चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है। दोस्तों देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपसे ये पूछा है कराची ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। दोस्तों सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि कराची जो सिटी है कहाँ। दोस्तों ये कराची सिटी आपको मिलेगा पाकिस्तान में, ठीक है, आपको जो कराची मिलेगा पाकिस्तान में, ये भी याद रख लेना, क्योंकि दोस्तों जब आपको जो सिटी का जो मालूम ही नहीं रहेगा कि कराची कौन से देश में है, तो आपको जो है इसको जो है सॉल्व करना काफ़ी जो ठीक है। दोस्तों आपको ये तो मालूम पड़ेगा कि कराची है, ठीक है, और ये किस नदी के किनारे जो कराची शहर बसा हुआ है, तो दोस्तों वो है इंडस रिवर, ठीक है, इंडस रिवर। तो दोस्तों आइए चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है। दोस्तों देखिए बड़ी यानी कि दोस्तों जंडिस, जंडिस मानने का तो मतलब कि जो पीलिया रोग होता है वो हमारे शरीर के जो है किस इसमें से जो है पार्ट को जो है इफेक्ट करता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो जंडिस है वो लीवर को इफेक्ट करता है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जंडिस का जो एक जो सिम्टम है दोस्तों, ये बेसिक सिम्टम जो सभी लोग को मालूम होगा, इसमें आपको जो है हाथ हो या फिर आँख हो दोस्तों, इसका जो कलर जो है वो येलो हो जाता है दोस्तों, ठीक है, पीला होने लगता है आपके जो है शरीर का कलर, ठीक है, येलो कलर का। जो आपकी आंखें हैं जो वाइट कलर की यहाँ पे जो है वो भी दोस्तों पीली पड़ जाती है, और साथ ही साथ आपके जो बॉडी के जितने भी ये हाथ पैर हो गए ये भी पीले पड़ जाते हैं, तो दोस्तों इसलिए इसे पीलिया रोग भी कहते हैं। और दोस्तों जंडिस का पता लगाने के लिए एक इसका जो है एक ब्लड टेस्ट होता है जिसको हम बिलीरियम टेस्ट बोलते हैं, मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, बिलीरियम दोस्तों इसी से मालूम पड़ता है कि जंडिस है या नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आइए चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या है। हाँ तो दोस्तों देखिए ये हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग पोर्ट इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि जो हमारे इंडिया का जो ईस्टर्न कोस्ट है उनमें से जो आपको चार ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा पोर्ट जो है वो ईस्टर्न कोस्ट में जो है वो लोकेटेड है। तो दोस्तों इसको समझाने के लिए दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ गूगल मैप में। दोस्तों इसका जो मैं करेक्ट आंसर आपको बता दे रहा हूँ, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्रादीप पोर्ट, ठीक है। दोस्तों चलिए मैं आपको जो है गूगल मैप में ले चलता हूँ और वहाँ पर मैं आपको जो है दिखा देता हूँ कि आखिर जो ये ईस्ट में जो है कहाँ पर पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों चलिए गूगल मैप को ओपन कर ले। सो नाउ दोस्तों फाइनली हम आ गए हैं यहाँ पे गूगल मैप में, और दोस्तों ये आप देख रहे हैं ये इंडिया का हमारा मैप है, और साथ ही जो दोस्तों ये जो लोकेशन मार्क किया हुआ है दोस्तों यही हमारा जो प्रदीप पोर्ट है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे ये जो हमारा ये नॉर्थ होता है, ठीक है, और नीचे ये हमारा आ जाता है साउथ, और ये हमारा होता है वेस्ट, और ये हमारा होता है ईस्ट, ठीक है, ये भी याद रखना है डायरेक्शन। दोस्तों ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया था ईस्टर्न पार्ट में, तो दोस्तों आपको जो है प्रदीप पोर्ट जो है यहाँ मिलेगा ईस्टर्न पार्ट में, ठीक है, यहाँ पे आपको जो प्रदीप पोर्ट जो है मिलेगा, जो कि ये ईस्ट में आता है दोस्तों, ये ईस्टर्न साइड ही कहलाएगा, ठीक है। दोस्तों आई होप आपने ये भी समझ लिया होगा। तो दोस्तों आइए चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या है। तो दोस्तों देखिए ये अगला क्वेश्चन है, इसमें आपसे ये पूछा है ए पर्सन विथ स्टोन ऑफ किडनी इज एडवाइज टू अवॉइड, मतलब कि एक किसी व्यक्ति को दोस्तों किडनी का जो यानी कि पथरी बोलते हैं इसे, पथरी रोग, तो दोस्तों उसे किडनी में दोस्तों स्टोन की प्रॉब्लम है, तो उससे इनमें से आपको जो चार ऑप्शन दिया गया है उनमें से उसे उस व्यक्ति को यानी कि उस पेशेंट को क्या कहा जाता है कि वो ना खाए, ठीक है, उसे अवॉइड करें। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोग सभी लोगों को मालूम होगा कि इसमें जो किडनी के जो भी स्टोन होता है उसमें दोस्तों डॉक्टर दोस्तों टमाटो खाने को जो मना करते हैं, ठीक है। दोस्तों इसे टमाटो मतलब दोस्तों टमाटर होता है, ठीक है, ये भी याद रख लेना। तो दोस्तों जब भी हमें पथरी होता है तो दोस्तों डॉक्टर जो हमें जो यहाँ पर टमाटो खाने से मना करते हैं। दोस्तों कई लोग ये भी कहते हैं कि टोमेटो से भी ज़्यादा टोमेटो खाने से भी यहाँ पे पथरी होता है, तो दोस्तों इसलिए जो दोस्तों डॉक्टर जो हमें ये बिल्कुल ही रिकमेंड नहीं करते हैं टोमेटो, ठीक है। दोस्तों आइए चल देखते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन में क्या है।
तो दोस्तों देखिए, जो अगला क्वेश्चन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों इसमें आपसे ये पूछा गया है कि द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द कंट्री इन यूएनएससी इलेक्टेड 4 ईयर्स, यानी कि जो हमारे यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में दोस्तों जो नॉन परमानेंट मेंबर कंट्री है उनको जो कितने ईयर के लिए जो दोस्तों सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है, ये भी याद रख इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जो यूएनएससी में दोस्तों जो नॉन मेंबर कंट्री है यानी कि नॉन परमानेंट मेंबर, उसे दोस्तों 2 साल के लिए जो है सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, और दोस्तों आप ये भी याद रखना कि यूएनएससी में दोस्तों आपको जो है 5 जो है वो P5 कंट्री यानी कि परमानेंट मेंबर जो है वो मिलेंगी, और वो 5 कंट्री है आपका जो यूए, एक तो हो गया आपका यूएस, उसके बाद हो गया आपका चाइना, चाइना के बाद आपको दोस्तों उस वहाँ पर फ्रांस भी है, रसिया भी है, और उसके बाद दोस्तों आपको ब्रिटेन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये चलिए देखते हैं 10वां क्वेश्चन उसमें क्या है। सुनाओ दोस्तों, 10वां क्वेश्चन में आपको ये देखने को मिलेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है स्कर्वी इज ए डिजीज ऑफ, यानी कि जो स्कर्वी रोग है इनमें से आपको जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से वो किससे बिलोंग करता है आपको यही बताना है बेसिकली। तो दोस्तों मैं स्कर्वी है वो आपको जो टीथ यानी कि जो दांत के रोग होते हैं उससे जो बिलोंग करता है, और ये आपका जो विटामिन सी की कमी से आपका जो स्कर्वी रोग जो है वो होता है, ये भी याद रख लेना। कई बार आपसे जो इसका जगह पर जो विटामिन का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों नाउ चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन में कि अगले क्वेश्चन में क्या है। तो दोस्तों ये देखिए, ये अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, विच इंडियन स्टेट इज द हाइएस्ट प्रोडक्शन ऑफ ओनियन, यानी कि हमारे इंडिया का कौन सा राज्य है दोस्त जो सबसे ज़्यादा दोस्तों प्याज जो है उत्पादन करता है। दोस्तों इस समय प्याज का आप रेट सुन ही रहेंगे, कहीं पे आपको जो है 100 रुपये, कहीं पे जो है 150, कहीं पे 70 रुपये भी प्याज को दाम आपको सुनने को मिल रहे होंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। दोस्तों चलिए इसको मैं आपको छोटे से एक जो है चार्ट में दिखा रहा हूँ कि कौन सा जो हमारा इंडियन स्टेट है वो कितना जो है ओनियन प्रोड्यूस करता है एवरी ईयर। हाँ तो दोस्तों फाइनली आपको ये चार्ट देखने को मिल रहा होगा कि आपको इसमें जो है सबसे टॉप यानी कि जो लीडिंग में आपको दिखाई दे रहा है वो आपका महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र जो लगभग 30% जो है ये ओनियन खुद ही प्रोड्यूस करता है। और दोस्तों उसके नीचे आपको मिलेगा मध्य प्रदेश, उसके बाद कर्नाटक, गुजरात, उसके बाद आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, ये सारे राज्य हैं, ये भी याद रख लेना कि अगर पूछा जाए कि महाराष्ट्र के बाद कौन सा सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है तो वो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है आइए चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन, देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है, वेयर इज द ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया, यानी कि जो इंडिया में जो सबसे पुराना जो ऑयल रिफाइनरी कौन सा है। आपके पास ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको जो किसी एक को जो बताना है। दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि डी। दोस्तों डिगबोई आपको जो ये मिलेगा असम राज्य में, ठीक है, और असम राज्य जो आपकी आपका जो है नॉर्थ ईस्टर्न के साइड की तरफ आता है। ठीक है, ये भी याद रख लेना। दोस्तों आइए चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन, देख लेते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है। सुना हो दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि फर्स्ट इंडियन ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम, यानी कि जो हमारे इंडिया की सबसे पहली ट्रेन थी वो कहाँ से कहाँ तक चली थी, आपको यही बताना है। एक पास 4 ऑप्शन है, तो दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका जो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यानी कि मुंबई टू ठाणे। दोस्तों ये जो है 16 अप्रैल 1853, सॉरी दोस्तों 1853 1953 को जो ये चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में, ये भी याद रख लेना। सो नाउ दोस्तों ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये मोस्ट प्रोबेबली पूछा भी जा सकता है आपसे किसी भी एग्जाम में। इसमें आपसे ये पूछा है, हु आर द फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू द स्पेस, यानी कि अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले जो भारतीय कौन थे, आपको इसमें यही बताना है। आपके पास ये 4 ऑप्शन है, मोस्ट प्रोबेबली आपका जो इसका सभी लोग। दोस्तों चलिए थोड़े से हम राकेश शर्मा के बारे में जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए थोड़े शॉर्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ राकेश शर्मा के बारे में। सो नाउ दोस्तों ये जो राकेश शर्मा है, आप यहाँ फोटो देख रहे हैं जिनकी, ये दोस्तों राकेश शर्मा, ठीक है, और दोस्तों ये जो है इनका जो जन्म जो है 13 जनवरी 1949 को पंजाब यानी कि पटियाला पंजाब में हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखना। और दोस्तों ये इंडियन एयरफोर्स में काम करते थे, इनका ये जो सर्विस में थे ये इंडियन एयरफोर्स में काम करते थे। ये इंडियन एयरफोर्स में इनकी जो रैंक थी वो थी विंग कमांडर की। ठीक है, ये टेस्ट पायलट के रूप में काम करते थे। इनके स्पेस करियर के बारे में थोड़े से मैं आपको डिटेल दे दूं कि इनका जो स्पेस करियर में सिलेक्शन जो हुआ था वो 1982 में हुआ था, और इन्होंने स्पेस में जो है कुल 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट जो है
बिताया, ठीक है। और यहाँ पे आप जो ये पिक्चर देख रहे हैं, ये जो है ये उस स्पेस का जो इनको भेजा गया था स्पेस में, उसी का दोस्तों ये लोगो है, ठीक है। और दोस्तों इनको अवार्ड भी मिला है दोस्तों, कई सारे दोस्तों इनको मैं आपको बताते हैं। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से दोस्तों इनको जो अशोक चक्र मिला है, और ये इनको ये भी मिला है सोवियत ऑफ यूनियन हीरो, ये भी इनको जो अवार्ड दिया गया है, ठीक है। दोस्तों आइए चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है। सो ना दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जो आपसे कई बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। दोस्तों इसमें आपको ये पूछा गया है, विच एमंग द फॉलोइंग रैंक इन इंडियन आर्मी इज़ द हाईएस्ट, यानी कि जो ये चार ऑप्शन दिया गया है आपको, आपको इनमें से आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा रैंक है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए में है कर्नल, ऑप्शन नंबर बी है मेजर जनरल, उसके बाद है ब्रिगेडियर, उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो है आपको जो ये जितने भी रैंक है ये कमीशन रैंक के अंदर आते हैं, ठीक है। तो कमीशन रैंक में दोस्तों अगर आप जो रिक्रूट होते हो तो दोस्तों आपको सबसे पहले लेफ्टिनेंट बनाया जाएगा, देन आप बनोगे 2 साल बाद कैप्टन, उसके बाद 6 साल बाद बनोगे आप मेजर, और दोस्तों 13 साल बाद आप बन जाओगे लेफ्टिनेंट कर्नल, और दोस्तों जैसे ही आप 15 साल एज हो जाएगा तब दोस्तों आप कर्नल बन जाओगे। और उसके बाद दोस्तों उसके बाद कर्नल के बाद आता है ब्रिगेडियर, देन उसके बाद आता है मेजर जनरल, और उसके बाद आता है लेफ्टिनेंट जनरल, और उसके बाद एक हाईएस्ट रैंक होता है, उसके बाद जो हाईएस्ट रैंक है वो जनरल का रैंक होता है, ठीक है। एक और रैंक होता है दोस्तों इसमें फील्ड मार यहाँ पे फील्ड मार्शल का, पर दोस्तों वो जो रैंक है वो इंडियन आर्मी का जो रेगुलर रैंक में नहीं आता है। तो आई होप आपका इसका जवाब मालूम ही पड़ गया कि दोस्तों जो लेफ्टिनेंट जनरल है ये सबसे हाईएस्ट होता है, ये इंडियन आर्मी में दोस्तों सेकेंड जो है सबसे हाईएस्ट रैंक होता है जनरल रैंक के बाद, ठीक है। और कई सारे जो दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल यही दोस्तों हमारे चीफ ऑफ जो आर्मी स्टाफ होते हैं यही रिक्रूट होते हैं, ठीक है, इनको प्रमोट किया जाता है। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, देखते हैं आखिरी क्वेश्चन में क्या है। तो ना दोस्तों ये इसमें आपसे ये पूछा गया है कि दोस्तों इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है वो कहाँ पर स्थित है, यानी कि IMA, इसका जो पूरा नाम है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ये भी याद रख लेना। दोस्तों आपको इंडियन मिलिट्री एकेडमी दोस्तों आपको मिलेगा देहरादून में, ठीक है। देहरादून यानी कि उत्तराखंड में आपको जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी हो जो वो मिलेगा। और दोस्तों जो भी यहाँ पे NDA में सिलेक्ट होते हैं उनको दोस्तों NDA के एग्ज़ाम जो भी देते हैं, इंडिया NDA या फिर CDS ODS का, तो अगर उनको जो आर्मी के में जाना है तो दोस्तों उनको जो है IMA यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी में भेजा जाता है, और यहाँ पर उनकी जो है ट्रेनिंग चलती है, देन उसके बाद जो है उनको जो है ट्रेनिंग कम्प्लीट होने के बाद उनको जो है कमीशन किया जाता है। तो आई होप दोस्तों आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, क्योंकि दोस्तों जो आगे आने वाली वीडियो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और दोस्तों उसमें से दोस्तों काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।